सभी का स्वागत है एक बार फिर से तारा मधु की रसोई से। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें प्लीज प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ये सुंदर सा एकदम ब्यूटीफुल सा दिखने वाला यम्मी एंड डिलीशियस डॉल केक। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज डॉल केक बनाइए और उसका एक वीडियो शेयर कीजिए, तो आज उन सभी की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए मैंने ये बनाया है डॉल केक। और फ्रेंड्स मेरा यकीन मानिए इसे मैंने एकदम आसानी से बनाया है, ये अब तक का सबसे आसान केक है। इसे मैंने इस तरीके से बनाया है कि इसे आप कभी भी अपने घर में बना सकते हैं बिना किसी मोल्ड के या बिना किसी ओवन के। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो में बताया है, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस केक को बनाने में मैंने 3 नोजल्स का यूज किया है जिसकी एक पिक मैंने वीडियो के एंड में पोस्ट कर दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे। फ्रेंड्स डॉल केक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक डॉल जिसे हम केक के ऊपर इंसर्ट करेंगे। तो अगर आपको मार्केट में डॉल का टॉपर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप इस तरीके से मार्केट से एक डॉल ले आइएगा, उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। तो मैंने इस डॉल को अच्छे से कर लिया है क्लीन। इस डॉल के थोड़े बाल लंबे थे तो मैंने टाई अप करके ऊपर बांध दिए हैं ताकि वो क्रीम में टच ना हो। और साथ ही मैंने ले लिया है एक किचन की क्लिंग रैप और इससे अब हम डॉल को कवर करेंगे और इसके कमर के नीचे हिस्से को मैं इससे रैप कर दूंगी ताकि जब हम इसे केक में इंसर्ट करें तो वो गंदी ना हो और हाइजीनिकली भी क्लीन रहे। तो कमर के नीचे के हिस्से को ही हमें रैप करना है क्योंकि ऊपर का पोर्शन हमारे केक में ऊपर ही रहेगा, जो नीचे का पोर्शन है वही केक के अंदर जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से रैप कर लिया है। आप मार्केट से कोई भी ब्यूटीफुल सी दिखने वाली डॉल ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। तो तैयार है हमारी डॉल केक के ऊपर लगने के लिए। तो चलिए अब केक की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 केक बनाए हैं, 2-2 कप से यानी कि 4 कप मैदा से मैंने ये 2 केक बनाए हैं और इनको पतली पतली लेयर्स में काट लिया है। हर केक को मैंने 3 लेयर में काटा है तो मेरे पास 6 लेयर टोटल हो चुकी हैं। फ्रेंड्स केक बनाने का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लेंगे हम टर्न टेबल और उसके ऊपर हम रख देंगे जो भी हम अब केक के नीचे बोर्ड यूज करने वाले हैं उसको। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने केक की एक लेयर। हमारे पास टोटल 6 लेयर है और अब हम इनको काटेंगे, मतलब के अलग अलग साइजेस के गोल सर्कल काटेंगे। तो आप अपनी किचन में कुछ ऐसे 3 बर्तन छाटिएगा जिनका गोल आकार हो और एक का आकार बड़ा, दूसरे का मीडियम और तीसरे का एकदम छोटा हो। तो मैंने ऐसे अपने घर में से 3 बर्तन सेट कर लिए हैं और सबसे पहले मैं बड़े वाले को कट करूंगी। तो इस तरीके से कोई भी एक बर्तन ले लीजिएगा और इसको रख करके इसके एंड्स को हम काट देंगे। कई बार केक का जो किनारा होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इस तरीके से वो रिमूव करने से केक सॉफ्ट रहेगा, लेकिन अगर आपका केक का एंड बहुत सॉफ्ट है तो आपको काटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए मैंने एक गोला इसका काट लिया है, ये देखिए, और इसको हम बच्चों को ऐसे ही खाने के लिए दे सकते हैं। और ये देखिए हमारा एक राउंड एकदम से तैयार हो गया है। और इसी तरीके से हम 3 गोले तैयार कर लेंगे अलग अलग सर्कमफ्रेंस के। ये मेरा दूसरा गोला है और इसको मैं इससे थोड़ा सा छोटा काट लूंगी, ये देखिए, थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिएगा, हल्का सा ट्विस्ट कीजिएगा, ये आराम से बाहर वाला पार्ट कट करके निकल आएगा। और इसी तरीके से इस साइज के भी आपको 2 लेयर काट लेनी है और जो हमने तीसरा बर्तन सेट किया है उससे भी हम 2 लेयर काट लेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 लेयर हो जाएंगी, 2-2 बराबर के साइज की और 3 अलग अलग आकार की। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम को सिंपल पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसको आगे से कट कर दिया है। और सबसे पहले हम इसके बोर्ड के बीचों बीच से लगा देंगे ताकि जब हम केक बनाए तो वो बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं। तो सबसे पहले हम लगा देंगे बड़ा वाला राउंड केक की सबसे बड़ी लेयर और इसके ऊपर अब हम स्प्रेड कर देंगे चीनी और पानी का घोल। इसमें मैंने 2 से 3 बूंद वनीला फ्लेवर भी डाल दिया है ताकि अच्छे से फ्लेवर आए। और इसको अच्छे से हमें मॉइस्ट कर देना है फ्रेंड्स, ताकि केक एकदम मॉइस्चर वाला हो, ड्राई बिल्कुल ना लगे। और पूरे में मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है और अब पाइपिंग बैग की मदद से मैं इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड कर दूंगी। तो आप जितनी मोटी लेयर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से फ्रेंड्स क्रीम एकदम इवनली स्प्रेड होगी। आप स्पून से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो जहां आपको स्पेस लग रही है खाली वहां अच्छे से इस क्रीम को
भर दीजिएगा और एक नाइफ की मदद से या एक स्पैचुला की मदद से इसको बढ़िया से स्प्रेड कर दीजिएगा। देखिए पाइपिंग बैग में लगाने से हमारी क्रीम कितने आराम से स्प्रेड हो गई, कुछ भी मेसी नहीं हुआ और एकदम इवनली स्प्रेड हो गई। आप जितनी मोटी लेयर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सेम यही वाली लेयर साइज का लगाएंगे। हमें दो दो लेयर लगानी है सेम साइज की, तो बिल्कुल बराबर की लेयर मैंने लगा दी है और इसके ऊपर भी चीनी, पानी और वनीला फ्लेवर का घोल में लगा दूंगी। हमें हर लेयर पर ये घोल लगाना है फ्रेंड्स, इससे केक बहुत टेस्टी भी लगता है और थोड़ा सा मॉइस्चर वाला भी लगता है, नहीं तो बहुत ड्राई हो जाता है। इसके ऊपर भी हम फिर से वही क्रीम की लेयर लगा देंगे पाइपिंग बैग से। आप देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल इवनली हमारी क्रीम स्प्रेड हो रही है और एक स्पैचुला से अब मैं फिर से इसे प्लेन कर दूंगी। तो दो लेयर हमारी केक की लग चुकी है। अब हम लगाएंगे इससे हल्की सी छोटी वाली लेयर जो दूसरे नंबर की है। तो ये हल्का सा छोटा गोला है, इसको बिल्कुल बीचों बीच मैंने सेट कर दिया है और इसके ऊपर भी मैं चीनी, पानी और वनीला फ्लेवर का फिर से वही घोल लगा दूंगी। वही प्रोसेस हमें फिर से रिपीट करनी है। अच्छे से लगा देंगे और इसके ऊपर फिर से वही प्रोसेस, क्रीम को स्प्रेड कर देंगे पाइपिंग बैग की मदद से और स्पैचुला से इसे एकदम प्लेन कर देंगे। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर अपनी सबसे छोटी वाली लेयर जो कि तीसरे नंबर की लेयर है। पहले इस क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं एकदम इवनली। फ्रेंड्स आप चाहें तो सारे केक को रख करके चाकू की मदद से भी इसे इस शेप में दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत आसान होता है, क्योंकि आप तीन लेयर अलग अलग साइज की काट के रख लीजिएगा और उन्हें इस तरीके से रख दीजिएगा। इसको भी अब हम अच्छे से क्रीम लगा करके कवर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपने केक की छह लेयर लगा दी है और देखिए केक की लेंथ कितनी अच्छी हो गई है, कितना ऊंचा ये उठ चुका है। अगर आप चाहते हैं और ऊंचा केक बनाना तो आप एक और लेयर इससे भी छोटे साइज की लगा सकते हैं। और अब हम इसके चारों तरफ उसी पाइपिंग बैग से फिर से क्रीम लगा देंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि दूसरी से तीसरी, तीसरी से पहली लेयर के बीच में कुछ कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ी सी मार्जिन है, तो वहां पर हम अच्छे से केक की एक क्रीम लगाएंगे और स्पैचुला से इसको भर देंगे। तो हमें कोई जरूरत नहीं है आप केक को कटिंग करने की, बनाने के बाद आप पहले से ही कट करके इस तरीके से लगा करके क्रीम की मदद से उसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। जहां भी आपको प्लेन जगह दिख रही है, कहीं गड्ढा दिख रहा है, तो वहां अच्छे से इस पाइपिंग बैग से क्रीम भर दीजिएगा। ये देखिए जहां भी स्पेस थी मैंने उसे आराम से कवर कर दिया है और अब एक स्पैचुला की मदद से इसको शेप दे दूंगी। बिल्कुल एक डोम शेप दे देनी है हमें, नीचे से चौड़ी और ऊपर से थोड़ी सी पतली। ये देखिए मैंने स्पैचुला से, क्रीम से इसको कितने अच्छे से कवर कर दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं लगता है कि क्रीम एक्स्ट्रा और लगाने की जरूरत है तो आप बेझिझक इसमें लगा सकते हैं और इसको एकदम से क्लीन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ज्यादा नीटनेस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर डिजाइन बनाने वाले हैं, तो सिंपली आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिएगा और अगर लगती है एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई तो स्क्रैपर से उसे हटा लीजिएगा। ये देखिए मैंने एकदम इसे चिकना कर दिया है। आपके पास अगर स्पैचुला नहीं हो तो आप कोई भी एटीएम कार्ड या फिर कोई विजिटिंग कार्ड हो उससे भी मदद ले सकते हैं, उसको पहले क्लीन कर लीजिएगा और इस तरीके से प्लेन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए मैंने पूरा अच्छे से केक को कवर कर दिया है और अब हम इसको कवर करके क्लीन करके थोड़ा साइडों को इसको हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने क्लीन कर दिया एकदम से और इसे अब मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। लगभग 10 मिनट के बाद ये देखिए अब मैं इसके ऊपर एक चाकू से होल कर दूंगी, क्योंकि इसके होल के बीच में ही हम अपनी डॉल को इंसर्ट करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो जो डॉल हमने क्लीम रैप से रैप की हुई है उसको आराम से बिल्कुल नीचे हमें इंसर्ट करना है। फ्रेंड्स कमर के नीचे तक हमें इसे पुश कर देना है। ये देखिए मैंने इसके जांघों तक इसको केक में डाल दिया है और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसे हम क्रीम से कवर करके प्रॉपर शेप दे देंगे। तो फिर से पैरों के पास इसके क्रीम लगा देंगे हम इस तरीके से और जहां पर इसकी कमर स्टार्ट हो रही है वहां तक हम इसे क्रीम से कवर कर देंगे और अब स्पैचुला से धीरे धीरे जो हमने क्रीम अभी लगाई है उसको डोम के साथ मिक्स कर देंगे ऊपर से नीचे लाते हुए। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से हमने क्रीम को स्प्रेड कर दिया है, लेकिन अभी क्रीम और नीचे है, हमें इसे और ऊपर तक लगाना है, अदरवाइज कमर का हिस्सा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी क्रीम और लगा देती हूँ और इसको भी मैं स्पैचुला से फिर से इसकी ड्रेस के अंदर
स्प्रेड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, कमर से ऊपर का हिस्सा ही इसके केक से बाहर है, बाकी का हिस्सा हमने केक के अंदर डाल करके अच्छे से क्रीम से स्प्रेड करके इसे कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस स्मूथली इसे स्प्रेड कर दीजिएगा। तो केक का आधा काम हमारा लगभग पूरा हो चुका है, अब बचा है इसका मेन काम डेकोरेशन का। तो अब हम इसकी डेकोरेशन करते हैं, इसकी ड्रेस बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ रोज नोजल लिया है, इसकी एक पिक मैंने वीडियो के एंड में शेयर कर दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। रोज नोजल लगा के मैंने एक पाइपिंग बैग रेडी कर लिया है और इस तरीके से इसकी ड्रेस का मैं रफल बना लूंगी। तो आपको क्रीम को इस तरीके से छोड़ना है, बिल्कुल हिलाते हुए, जैसे वाइब्रेशन मोड पर, इस तरीके से इसमें रफल्स बनते जाएंगे और ऐसा करते करते हमें पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर देना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका डिजाइन सेट कर सकते हैं, मैं यहाँ सिंपल से रफल बना रही हूँ, ये देखिए। और इसी तरीके से दूसरा एक और लेयर बना देंगे रफल्स का, इसको मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बना रही हूँ, जैसे कि प्लेट्स बनी हुई हो। पहले मैं रख रही हूँ लेफ्ट, फिर रख रही हूँ राइट, लेफ्ट राइट करते हुए इस तरीके से मैं पूरी ड्रेस में राउंड सर्कल करते हुए रफल बना लूंगी। इससे ड्रेस हमारी और अट्रैक्टिव लगेगी और हमारा केक और ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए किस तरीके से बढ़िया सी लेयर बन चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं एक और लेयर इसकी बना दूंगी। मैं यहाँ तीन रफल्स बना रही हूँ, आप अपने केक की लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से रफल्स सेट कर लीजिएगा। अगर आपका केक छोटा है तो आप दो लेयर बना लीजिएगा, मेरा केक थोड़ा लंबा है ऊंचाई में तो मैं तीन लेयर बना रही हूँ। देखिए इसी तरीके से मैंने पूरे केक में तीन लेयर रफल्स की बना दी है। और अब हम बनाएंगे इसके ऊपर का रोज वाला पैटर्न। ये देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा है केक, जबकि ये अभी पूरा भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको जिस कलर की ड्रेस बनानी है उस कलर की क्रीम में जेल कलर मिला करके पाइपिंग बैग में भर लीजिएगा। और मैंने स्टार नोजल लिया है, ये स्टार नोजल हल्का सा ट्विस्टेड वाला है, इसकी भी फोटो मैंने वीडियो के एंड में शेयर कर दी है। और इस तरीके से रोज आप जब बनाएंगे तो फ्लावर्स के कर्व जो है वो थोड़े से ट्विस्टेड आएंगे, तो आपकी ड्रेस जो डॉल की होगी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। प्लेन स्टार नोजल से इस तरीके का पैटर्न नहीं आता, ये वाला स्टार नोजल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो आपको मार्केट में ये मिले तो जरूर लीजिएगा। और बस जलेबी की तरह हमें इसे घुमाना है और आराम से ये पैटर्न हमारा बनता जाएगा। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पर आप एक फ्लावर बना रहे हैं बिल्कुल दूसरा फ्लावर उसके पास बनाना है, चिपका कर बनाना है, कोई गैप नहीं छोड़ना है और सभी फ्लावर्स की लेंथ और ब्रेथ एकदम एक जैसी हो, तभी ये केक और ब्यूटीफुल लगता है। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने में थोड़ी सी सिमेट्री रखिएगा, फूलों का आकार एकदम बराबर रखिएगा। और इसी तरीके से मैंने पहली लेयर कंप्लीट कर ली है और अब मैं दूसरी लेयर बनाऊंगी। इसी तरीके से हमें दूसरी लेयर भी बनानी है, बिल्कुल पास पास एकदम सटा करके, गैप को हमें पूरी कोशिश करनी है कि ना छूटे, लेकिन अगर बाई चांस छूट भी जाता है तो हम इसी स्टार नोजल से उसको भर देंगे। तो बिल्कुल आपको दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, जो भी आप करना चाहते हैं, एक बार सेट कर ले और फिर पूरे केक में वही डायरेक्शन रखें। ऐसा करने से आपका ये केक जो है बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, एकदम सिमेट्रिकल लगेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो देखिए मैंने सेकेंड लेयर भी कम्प्लीट कर लिए एकदम पास पास एक ही डायरेक्शन में, और इसी तरीके से मैं तीसरी लेयर भी बना लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो सिंपल फ्लावर भी बना सकते हैं स्टार शेप के, उन्हें बड़े से छोटा करते हुए ऊपर ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी है, आप कैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं। मैं सिंपल से रोज फ्लावर बना रही हूँ कमर तक, बिल्कुल एक जैसे पैटर्न के और एक ही डायरेक्शन के। तो देखिए चार लेयर हमारी कम्प्लीट हो चुकी है और अब मैं पांचवी लेयर बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं फूलों का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। तो देखिए हमने पूरी ड्रेस पर फ्लावर बना दिए हैं और ये कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है, आप कोई भी कलर की ये ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाएंगे हम ऊपर का पार्ट। तो मैंने यहाँ पर छोटा वाला स्टार नोजल ले लिया है, इसकी फोटो भी मैंने लास्ट में पोस्ट कर दी है, आप देख सकते हैं। डॉल के हम हैंड्स को थोड़ा सा कर देंगे ऊपर ताकि हमें इसकी ड्रेस बनाने में दिक्कत ना आए, और कमर से अब वही स्टार नोजल से छोटे छोटे स्टार बनाते हुए हम राउंड करते हुए इसकी कमर को कवर करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर बनाने हैं फ्रेंड्स, और अब हम इसके ऊपर के पार्ट को भी कवर करेंगे। आप जैसी ड्रेस पहनाना चाहते हैं, जिस पैटर्न की डॉल को पहना सकते हैं, और उसी हिसाब से फिर क्रीम को सेट कीजिएगा। मैं सिंपल एक ड्रेस बना रही हूँ, तो पहले मैंने एक लाइन बना दी है एकदम सर्कल शेप में, छोटे छोटे फ्लावर आप बना करके देखिए मैं जैसे बना रही हूँ इस तरीके से, और इसकी पूरी बॉडी को हम इसी तरीके से कवर कर देंगे। जैसे कि ड्रेस ने कोई हाफ स्लीव का गाउन पहना हुआ हो,
तो धीरे धीरे बस इस पूरे नीचे के भाग को हमें कवर कर देना है। फ्रेंड्स देखिए, डॉल के हैंड्स को मैंने ऊपर कर दिया है ताकि मुझे साइड में बनाने में दिक्कत ना आए, और अब मैंने बनाने के बाद इसके हैंड्स को नीचे कर दिया है। जहाँ पर इसे आप रखना है वहाँ पर इसे सेट कर दीजिएगा। और अब हम फ्रॉक का ऊपर का स्टेप बना देंगे इसी स्टार नोजल से। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ इसे मिला देंगे, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टेप बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी डॉल का गाउन जो है वो रेडी हो गया है। तो हमारी डॉल देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स अब मैंने व्हाइट क्रीम को एक छोटे स्टार वाले नोजल में भर लिया है, और इससे मैं इसके थोड़े से ऑर्नामेंट्स बनाऊंगी। तो पहले मैं बना देती हूँ इसके एक हाथ पे एक छोटा सा ब्रेसलेट, सिंपल सी एक लाइन खींच देनी है, ये देखिए इस तरीके से। जितना हो सके उसे कवर कर देंगे, थोड़ा साइड से भी, हो सकता है तो नीचे से भी। और इस तरीके से मैंने डॉल के एक हैंड में देखिए ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट बना दिया है। और अब मैं इसी स्टार नोजल से डॉल का एक छोटा सा नेक पीस बना दूंगी, बिल्कुल चोकर स्टाइल। तो छोटे छोटे फ्लावर्स को मैं इसके नेक पर चारों तरफ बना रही हूँ एकदम पास पास। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका नेक पीस। और इसी स्टार नोजल से इसके इयर्स पर लगा दूंगी, तो वो बिल्कुल इयररिंग्स लगेंगे। दोनों तरफ मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना दूंगी बिल्कुल ईयर के पास, जहाँ पर हम इयररिंग्स पहनते हैं। तो देखिए हमारी डॉल कितनी सुंदर लग रही है। और अब इसके दूसरे हैंड में भी मैं ब्रेसलेट पहना देती हूँ। फ्रेंड्स हमारी डॉल एकदम रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके हेयर स्टाइल में अभी कुछ कमी बाकी है। तो एक छोटा सा मेरे पास क्राउन है जो इसी के साथ मार्केट से आया था, तो मैंने जो बन बनाया उसके आगे मैंने इसके छोटा सा ये क्राउन लगा दिया है। और देखिए हमारी डॉल अब और ब्यूटीफुल लग रही है। फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स हैं, और इसको मैं इसकी ड्रेस के आगे लगा दूंगी, जो फ्रंट पार्ट है इसका। इस तरीके से मैं एक क्लिप से इसे उठाऊंगी, और छोटे छोटे पर्ल्स को मैं इसकी पूरी ड्रेस के फ्रंट पार्ट पर लगा दूंगी, आगे की तरफ ऊपर की साइड। तो लीजिए हमारी डॉल एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसकी ड्रेस जो है वो और अट्रैक्टिव लग रही है, और ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए कितने आसानी से बिल्कुल कम समय में हमने अपना ये डॉल केक तैयार कर लिया है। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर जरा भी वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आर्मी केक और भी कई तरीके की केक की रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। अब आप भी प्रोफेशनली अपने घर में अपने बच्चों के लिए ये सुंदर सा केक बना सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस डॉल केक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ। जो मैंने नोजल्स यूज किए हैं उसकी पिक ये है, तो आप इसे देख सकते हैं। और इन तीन नोजल्स के साथ आप इस सुंदर से ब्यूटीफुल यमी डॉल केक को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।